जय हिंद दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आरसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है यूज ऑफ इंट राउंड सीलिंग फ्लोर फार्मूला। ये चार छोटे छोटे फार्मूला किस प्रकार एक्सेल में वर्क करता है आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू लिखे हुए हैं 880.49, 880.5, 480.5, इस वैल्यू में पॉइंट नहीं है। तो चलिए इंट फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इसका पूरा नाम होता है इंटीजर। इंटीजर फार्मूला किस प्रकार वर्क करता है हम दिखाते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला को इस्तेमाल कर रहे हैं इक्वल टू int इंट ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर पूछ रहा है नंबर, तो नंबर में हम इस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं या आप टाइप भी कर सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज इंटर बटन प्रेस। तो देखिए यहाँ पर 880 लिख दिया। तो कहने का मतलब है कि जो दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद जो वैल्यू है उसको शो नहीं करता है इंटीजर। देख रहे हैं 880.49, तो यहाँ पर वापस किया 880, यानी जो डेसिमल के बाद वाला वैल्यू है उसको शो नहीं किया। सारा को निकालना है तो यहाँ से ड्रा कर लेते हैं, फिर से ड्रा। तो देखिए यहाँ पर सारा को निकल गया राउंड इक्वल टू round राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पूछ रहा है नंबर, तो नंबर में इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए नंबर में इस वैल्यू को हम सेलेक्ट किए। अब यहाँ पूछ रहा है कोमा, कोमा टाइप किए। यहाँ पर नंबर डिजिट, तो इस पर हम डाल देते हैं 0। आप 1, 2, 3 कुछ भी डाल सकते हैं, 0 डाल दिए, ब्रैकेट को क्लोज इंटर। तो देखिए यहाँ पर राउंड फार्मूला जो डिसीमल के बाद जो वैल्यू है उसको शो नहीं किया। और यहाँ से सारा को हम ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 880.5 है, तो यहाँ पर 881 लिख दिया। तो कहने का मतलब है कि आप मैथ में पढ़े होंगे कि 4.9 के बाद एक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक जुट जाता है। जैसे यहाँ पर है 880.5, तो अवयव है एक ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर 881 हो गया। समझ गए? यहाँ पर 880.49, और जैसी 49 के बाद ऊपर वैल्यू आएगा 5, तो एक जुट जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये मैथ में पढ़े होंगे। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर सीलिंग है। सीलिंग मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं सीलिंग फैन, यानी छत वाला। सीलिंग का मतलब छत, और फ्लोर का मतलब होता है फर्श, या कह सकते हैं टॉप या बटन, या तो हायर वैल्यू लोअर वैल्यू। सीलिंग का मतलब होता है हायर वैल्यू, और फ्लोर का मतलब होता है लोअर वैल्यू। तो चलिए सीलिंग निकालते हैं इक्वल टू, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला नीचे दे दिया, डबल क्लिक करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा, डबल क्लिक। अब यहाँ पूछ रहा है नंबर,
नंबर में इस नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पूछ रहा है कोमा, कोमा दे दिए। यहाँ पर पूछ रहा है सिग्निफिकेशन, यानी सिग्निफिकेंस में हम कोई वैल्यू को डाल देते हैं जिस वैल्यू से हमको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर हम टाइप करते हैं 4, ये जो वैल्यू है 880.49 वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो कितना वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगा वो वैल्यू को वापस करता है सीलिंग। चलिए ब्रैकेट बंद किए, इंटर। तो यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि 884 वैल्यू है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 880.49 वैल्यू है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से निकालते हैं, डिलीट इक्वल टू सीलिंग। यहाँ पर नंबर पूछ रहा है तो नंबर में इस नंबर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोमा, असिग्निफिकेंस में हम यहाँ पर 3 डाल देते हैं। अब ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि 882 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए फिर से देख लीजिए, इक्वल टू सीलिंग, नंबर को सेलेक्ट करते हैं, कोमा, 4, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 884 जो वैल्यू है वो 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। सारा को निकलना है तो यहाँ से ड्रा कर लेंगे। देखिए सबका निकल गया। यहाँ पर जो वैल्यू है 53709, ये 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ बता रहा है कि 53712 जो है वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब यहाँ पर फ्लोर है, इसका विपरीत है, इक्वल टू फ्लोर। यहाँ पर नंबर पूछ रहा है तो नंबर में इसी नंबर को सेलेक्ट करते हैं, कोमा, सिग्निफिकेंस में कोई वैल्यू डाल देते हैं। चलिए 4 ही डालते हैं, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर। यहाँ पर बता रहा है कि 880 जो है 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 880.49 डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए सारा को निकाल लेते हैं, ड्रा। देखिए किस प्रकार फ्लोर काम कर रहा है, समझ में आ गया होगा। चलिए सीलिंग का एक दूसरा तरीका से बताते हैं कि कैसे निकालें। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम कोई वैल्यू टाइप किए 40047, ये वैल्यू है, इसको 20 से डिवाइड करना है। तो चलिए सीलिंग निकालते हैं, इक्वल टू सीलिंग, नंबर सेलेक्ट, ए नंबर को सेलेक्ट कर लिए, कोमा, सिग्निफिकेंस में ए नंबर को सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू है 20 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये वैल्यू है जो 20 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। समझ गए।
ये जो है 4047 जो 20 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 4060 ये 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे वीकडे निकालने के लिए कि वीकडे कैसे निकलेगा।